जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। तो जैसा कि अभी कुछ दिनों से पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर विवाद चल रहा था, नागपुर विवाद, जिसमें उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे और पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार ने बहुत ही सहजता से उन सभी आरोपों को झुठला दिया है। और पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार ने पूरी नेशनल मीडिया के सामने, 20-25 पत्रकारों के कैमरों के सामने अपना जो दिव्य चमत्कार है, सन्यासी बाबा का जो चमत्कार है, वो उन लोगों को दिखाया है। और पत्रकार भी मान रहे हैं कि जी हाँ, इस देश में और बागेश्वर धाम में खासकर शक्तियां हैं और इसे अंधविश्वास नहीं कह सकते हैं। तो हमारे पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार को निशाना बनाने के बाद अब छोटे सरकार की तरफ आ गए हैं ये लोग। जी हाँ, आप लोग देखिए, ये ओबीसी महासभा की तरफ से पोस्ट की गई है और इसमें लिखा है, बागेश्वर धाम के छोटे भाई ने जान से मारने की सत्येंद्र शर्मा को दी जान से मारने की धमकी, बागेश्वर धाम में यही चल रहा है। अब आप देखिए, ये लोग जब हमारी सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो उनके छोटे भाई पर उंगली उठाने लगे हैं। और एक और आप पोस्ट देखिए, ब्रेकिंग न्यूज, हमारे परम मित्र कांग्रेस सत्येंद्र शर्मा को बागेश्वर धाम के धीरेन शास्त्री के छोटे भाई ने जान से मारने की धमकी दी है और बोला है कि आज रात 12 बजे हम गुंडों को लेकर आएंगे तुम्हारे घर, मेरे पास रिकॉर्डिंग आ चुकी है। तो आप लोग देखिए किस प्रकार से ये लोग गिर चुके हैं और हमारे पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं सहा जाएगा। और अब पूरा हिंदू समाज पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में आ चुका है, मीडिया भी अब पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार के साथ है। और यदि जो भी कोई ऐसा प्रयास करता है या पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार पर सवाल उठाता है तो उसको इसका कड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। और सभी हिंदू संगठनों को अब आगे आना चाहिए और पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार और हिंदुओं को एकत्रित होने का यही समय है। और जो विधर्मी लोग हैं, हमारे धर्म का विरोध करने वाले लोग हैं, उनको कड़ा जवाब देने का यही सही समय है। और इस प्रकार के आरोपों से अब बागेश्वर धाम सरकार या उनका कोई भक्त डरने वाला नहीं है। बस इन लोगों का अब हमें बॉयकट करना है और जो भी ऐसे कार्य कर रहे हैं उनसे कड़ी सी कड़ी कार्रवाई करवानी है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, क्या है आपकी इस बारे में राय, आप लोग अवश्य लिखिए कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बागेश्वर धाम सरकार की हर खबर से आप अपडेट रहे। जल्दी आऊँगा नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।